जब हम घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में हमारे गांव के जान पहचाने वाले बुजुर्ग आदमी मिले। मैंने और सागर ने उन्हें लिफ्ट दे दी और हम दो के बदले तीन हो चुके थे यहाँ पे। हाय दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। दोस्तों आज हम कुछ काम करने वाले हैं, बहुत इतना खास काम तो नहीं है। ये मेरे हाथ में जो दूरी का बंडल देख रहे हो प्लास्टिक का, मैंने जहाँ पे नारियल बोए वहाँ पे वो जाली जो लगाई हमने राउंड में, तो उसको बांधना है ताकि जंगली भूंड आकर वो सारे उखाड़ देते हैं नारियल जो हमने बोए हैं, जो पौधा है, तो उसको आज हम रिपेयर करेंगे इससे। तो चलिए चलते हैं उस तरफ। ये रहा, ये चलेगा। अब इस छोटी नदी को हमें हर वक्त पार करना पड़ता है। यहाँ थोड़ा फिसलन है, अगर इससे हम फिसल जाते हैं तो फिर हमारी खैर नहीं रहती, क्योंकि चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ पे पत्थर ही हमने रख दिए, इसमें छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं। देखिए पूरा बाग, बारिश के मौसम में यही हाल रहता है बाग का, हर तरफ घास रहती है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ पौधे बोए हैं, यहाँ पे हमें थोड़ी दवाई भी छिड़कनी है ताकि घास जल जाए। ये जो डोरी टूटी है, ये जाली, इसको हमें जोड़ना है इस तरह ताकि यहाँ से घुस ना पाए। तो दोस्तों पहले मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेता हूँ, फिर इस पर हम जॉइंट कर देते हैं इसको। दोस्तों मैंने ये गेट भी लगा दिया है, जुगाड़ से बांध दिया डोरी से अच्छी तरह, और यहाँ पर भी मैंने जाली को कवर कर दिया। कुछ ज़्यादा खास नहीं था लेकिन ज़रूरी था। मच्छरों ने बेचैन कर दिया है मुझे बहुत, काफ़ी मच्छर ने हाथों में काट लिया यहाँ से। अब इसको हम रख देते हैं यहाँ पर, कुछ काम की चीज नहीं है। दोस्तों अब मुझे कुछ खास जगह पर मुझे दवाई छिड़कनी है, वहाँ पे मैं अभी ग्रामोक्सन और ग्लाइसिन दोनों मिक्स करके कुछ ऐसी जगह पर जहाँ पे आना जाना ज़्यादा रहता है उस जगह पर मैं दवा छिड़कूँगा। तो पहले मुझे पंप निकालना होगा, पंप के बाद दवाई ढूंढनी होगी, दवाई सब कुछ अंदर मिल जाएगी। तो थोड़ी हमने चलो निकाल लेते हैं पंप। चला कर लो अटिया, कुछ ग्रामोफोन पड़ी है, कुछ लाइसेंस।
देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी एग्रीकल्चर वेस्टेज बोटलें पड़ी है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी आपको बोटल यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, केमिकल विद केमिकल वाली भी प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी है। ये देखिए स्टीमेज वगैरह है, नेटसअप कंपनी की जो आती है ये। ये देखिए एनपीके सारी बोटलें पड़ी है। का काम पूरा हो चुका है और फिलहाल मैं अभी देखता हूँ मुर्गियाँ यहाँ पे चल रही है। ये देखिए बहुत चिल्ला रही थी अंदर, देखते हैं जाके क्या प्रॉब्लम है। हमारा अब्दुल अजीज लाकड़ी उठा के गया है। हमारा इंडा से माशाल्लाह चार इंडा से वाह, यहाँ पे अलग दुल जैसे चार अंडों का हम उठाएंगे और वहां पे रख देंगे। पड़ी नहीं कुछ मुर्गियां अंदर है दाने चुग रही है, कुछ मुर्गियां बाहर है। ये देखो ये कड़कनाथ मुर्गा, ये जो काली काली मुर्गियां दिख रही है वो सारी कड़कनाथ है। मौसम काफी अच्छा है, बारिश तो नहीं हो रही पर हवा तेज चल रही है। दोस्तों अभी दोपहर का वक्त हो चुका है और मुर्गियां सब जा रही अंदर। अब इसको बंद कर देंगे कमरे में, फिर दोपहर बाद इसको फिर निकालेंगे। इनका टाइम अभी रिसेस का हो चुका है, आराम करने का टाइम है इनका। मौसम काफी अच्छा है दोस्तों, लेकिन धूप नहीं निकल रही है, बादल छाए हुए हैं लेकिन बारिश भी नहीं है। हवा काफी तेज है यहाँ पे। दोस्तों दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी मैं जा रहा हूँ जहाँ पे सोयाबीन में दवाई छिड़की थी वहाँ पे चक्कर लगा, देखता हूँ लगी है। हमारा घोड़ा इधर खड़ा है ब्लैक कलर का, ये रही हमारे रेलवे फाटक। यहाँ पे अभी से फेंकी पटरी चालू है, ये आप जो देख रहे हो ये हाई स्कूल है यहाँ पे। ये इसका ग्राउंड है यहाँ पे, यहाँ पे बच्चे लोग खेलते हैं। इसमें तो दवाई लग चुकी है, इसमें तो हमने दूसरी दवाई छिड़की थी ग्लाइसल ग्रामोक्सन। जो सोयाबीन में दवाई हमने छिड़की थी वो अलग दवा थी, मुझे लगता है ये अभी लगी नहीं है। रिजल्ट मिलने में कम से कम 5-6 दिन चले जाएंगे सोयाबीन में और ये अभी इसका रिजल्ट। दोस्तों अभी मैं और मेरा दोस्त जा रहे हैं यहाँ से 12 किलोमीटर दूर हरमुतिया बाल कटवाने के लिए।
फाइनली मैं और मेरा दोस्त आखिर पहुंच ही गए दुकान पर बाल कटवाने के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे गांव की दुकान ऐसी रहती है, सिंगल कुर्सी, देख लीजिए पूरा। इस तरफ मैं वीडियो शूट कर रहा था और उस तरफ मेरा फ्रेंड सागर ढक्कन खोलने की मरम्मत कर रहा था, क्योंकि गाड़ी को खाना चाहिए, वो पेट्रोल डाल रहा था गाड़ी में। बाल कटाने के बाद रिटर्न में कुछ तालाब देखने को मिले, कुछ रास्ते पे चराए अपने भैंसों को घर वापस लौटते हुए रास्ते में दिखे। तो दोस्तों, घर आने के बाद मैंने नहा लिया, तो बस आज का काम पूरा हुआ। दोस्तों, आज का व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।